Good evening, friends. Welcome to Unacademy Studios Prabhav. Studios Prabhav पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं आपके लिए एक कोर्स लाने वाला हूँ Unacademy प्लेटफॉर्म पर. इस कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस UPSC CSE 2020. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा. इस कोर्स के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे इस सेशन में. उससे पहले मैं थोड़ा परिचय अपने बारे में देता हूँ. मेरे बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ. पहला परिचय तो ये कि मैं एक एजुकेटर के रूप में अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ और पहली बार आपके लिए कोर्स ला रहा हूँ. अपना परिचय मैं ब्रीफ में आपको देता हूँ. मेरा नाम है नीरज शर्मा. मैंने मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली से और 5 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है. 3 बार मैं इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ. 2 बार IAS मेंस लिख चुका हूँ और कई कोचिंग संस्थाओं में मैं एज ए सीनियर फैकल्टी पढ़ा चुका हूँ IAS को. तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय था. अब हम बात करते हैं Unacademy के बारे में. Unacademy एक प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि Unacademy क्या है. Unacademy एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो UPSC CSE तो है ही, उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको एक संपूर्ण दिशा प्रदान करता है. और दिशा भी किस तरह की, ऑनलाइन घर बैठे. तो घर बैठे आपको पूरी तैयारी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ही आपके लिए देता है. तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको एजुकेट करते हैं. एजुकेट मीन्स आपको ग्रूम करते हैं. तो ये बहुत एक बड़ी टीम है इनके Unacademy के पास में और बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में सारे लोग बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना, वो एजुकेटर्स इनके पास हैं. तो एक प्रभावशाली टीम है, उनके साथ जुड़ने का आपको मौका मिलेगा. एज ए मेंटर वो आपको गाइड करेंगे, आपको ग्रूम करेंगे, आपकी तैयारी को पूर्णता प्रदान करेंगे. तो ये एक प्लेटफॉर्म है. अब किस तरह से इसको सब्सक्राइब करें ये मैं आपको समझा देता हूँ. Unacademy Plus एक प्लेटफॉर्म है, YouTube पर हम पढ़ाते ही हैं लाइव. इसके अलावा प्लस पर आपको एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, आपको एक जो कोचिंग वाली फीलिंग जो होती है ना, जैसे आप कहते हैं कि आप फिजिकल जाके और फिजिकल अपीयरेंस होती है, आप जाकर टीचर को पढ़ते हैं, तो वो फीलिंग आपको घर बैठे मिलेगी, कम कॉस्ट पर मिलेगी. और मतलब आपको एनर्जी आपकी बचेगी, आपकी कॉस्ट बचेगी और आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का फायदा मिलेगा, वो भी घर बैठे. तो मैं आपको Unacademy Plus के बारे में बता रहा हूँ. प्लस एक प्लेटफॉर्म है और सब्सक्रिप्शन कैसे किया जाए, कैसे, तो ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है. इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम विस्तार से हमारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे. आप देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर आपको इसका लिंक मिलेगा, उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा. जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा ऐसा का ऐसा आपको वहाँ दिखाई देगा. आप देख पा रहे हैं इसमें 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, मतलब 1 साल 2 साल का पूरा पैकेज इन्होंने दिया हुआ है. तो ये एक बहुत कम कीमत पर ये दिया हुआ है. तो मेरा जो मानना है या मेरा जो कहना है या मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ या तो वो ये है कि कम से कम, क्योंकि आपको पता है कि UPSC का 1 या 2 महीने का खेल नहीं है, UPSC वर्ष भर की एक तैयारी मांगती है, 2 साल की कम से कम तैयारी मांगती है. तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो करंट ईयर में इसको दे रहे हैं उनके लिए भी बराबर इंपॉर्टेंट है. तो जो UPSC को गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप देखिए कि इसका 40,000 का आप देख पा रहे हैं, देखिए फीस, देखिए ये 3 मंथ्स का कोर्स है, ये 12 महीने का, ये 24 महीने का. तो जो 24 महीने का हम लेकर चलते हैं, ये देखिए 1 साल की जो फीस है वो 40,000 रुपये है. क्योंकि मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगा वो 1 साल का सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 1 साल तो कम से कम आपको करना पड़ेगा. ये देखिए 40,000 रुपये. और जो 2 साल की फीस है वो 64,000 रुपये. तो इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब करने के लिए आप NS लाइव, ये एक कोड है, ये मेरे नाम का कोड है, क्योंकि मैं आपको इस पे सेशन दूंगा इसलिए मेरे नाम का कोड है. जब आप मेरे नाम का कोड यूज करेंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखिए जब आप मेरे नाम का कोड यूज करेंगे NS लाइव, जो मैं आपको बता रहा था अभी, रेफरल कोड इसको कहते हैं, तो आपको सीधे सीधे 10% का फायदा होगा. ये देखिए जो 40,000 दिख रहा था हमको स्क्रीन पर वो 36,000 हो गया और जो 2 साल का हमको 64,000 दिख रहा था वो 57,000 हो गया. तो आपको 10% की इंस्टेंट रिबेट मिलेगी. तो काफी अच्छा आपके लिए एक अवसर है. तो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत आसान प्रक्रिया है. ये देखिए
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप आज ही इसको सब्सक्राइब करें। आपको ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सिर्फ मेरे सेशन देखने को मिलेंगे, जो सारे एजुकेटर हैं, 70 से अधिक एजुकेटर्स इस पर जुड़े हुए हैं, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज का लाभ आप घर बैठे ले सकेंगे। इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज की वैरायटी मिलेगी, एक ही कोर्स के कई टीचर्स मिलेंगे आपको, आंसर राइटिंग, आपको टेस्ट सीरीज, जो भी कुछ कोर्स मटेरियल, जो भी कुछ अवेलेबल होता है, वो जो जो आपको जो आप चाहते हैं एक तैयारी के लिए जो आवश्यक होता है वो सब आपको मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कोड यूज करना है, आपको 10% की सीधे सीधे रिबेट मिलेगी। अब मैं आपको जो आपको मैं बता रहा था सबसे पहले, तो शुरू करते हैं। मैंने आपको कोर्स बताया था, कोर्स ये देखिए आपको, कंप्लीट कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये देखिए, ये आपको पता है कि यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है उसमें पेपर 2 में ये आपको एक पार्ट दिखाई देगा, लेकिन एक आपको पेपर 2 ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए कोर्स है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स है, और पेपर 2 ही नहीं, ये पूरे एक प्रोसेस के लिए उपयोगी कोर्स है, तो काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए, सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू। तो कोर्स ओवरव्यू को जब हम देखेंगे तो कोर्स ओवरव्यू का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि इस कोर्स में है क्या, ये आप देखेंगे। ये देखिए, तो कोर्स ओवरव्यू मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कंप्लीट कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी सीएसई 2020 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध पर कंप्लीट कोर्स। देखिए पहले जो टॉपिक देख रहे हैं हम, देखिए प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये तीन स्टेप होते हैं आईएएस के लिए, किसी को बताने की आप सारे लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे पूरा पता है, तो जो गंभीर विद्यार्थी है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं कोर्स के बारे में समझा रहा हूँ तो ये एक प्रक्रिया है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, कि ये जो मेरा कोर्स है वो आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, वो केवल पीटी में नहीं आते, या केवल मुख्य परीक्षा में नहीं आते, या केवल साक्षात्कार में नहीं आते, ये पूरा एक जो प्रक्रिया होती है यूपीएससी की, वो तीनों स्टेजेस में बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं आपको ये जो कोर्स ला रहा हूँ ये तीनों स्टेप के लिए है, कृपया इसको ध्यान से बार बार अपने मन में उतार लें कि ये तीनों स्टेजेस के लिए है। अब इसमें हम पढ़ाएंगे क्या, किस तरह का कोर्स होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या पढ़ाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे पहले पड़ोसी देश, फिर जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो बहुत सारे अभी जैसे ब्रिक्स है, या फिर सार्क है, या फिर आसियान है, ये देखिए आसियान, सार्क, मतलब क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं और जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत तो सबके सेंटर में आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद विश्व की जो महत्वपूर्ण ताकतें हैं, महत्वपूर्ण शक्ति कौन कौन सी है आप सबको पता है, जैसे अमेरिका है, रूस है, ठीक है, ये दोनों विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इसके अलावा जो G5 कंट्रीज हैं वो भी विश्व की ताकतवर, क्योंकि आजकल जो युग है वो आर्थिक युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो जो ताकत है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामरिक ताकत है, क्योंकि पहले जो माना जाता था कि भाई जिसके पास सामरिक शक्ति है, जिसके पास सैनिक शक्ति है, वो ही ताकतवर है, लेकिन आप धीरे धीरे जानेंगे कि आज का जो ताकतवर का सेंस है वो बदल गया है, क्योंकि आर्थिक युग है। अब इस आर्थिक युग में जापान के पास चाहे कुछ भी सेना नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताकतवर है, क्यों, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास इकोनॉमिक पावर है। आज चीन है, तो चीन न केवल अपनी सामरिक स्थिति के कारण बल्कि अपनी आर्थिक ताकत से ग्रो कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है पूरे विश्व को, ठीक है। तो आप समझें इन सबको, ये जो सारे संबंध है वो एक पेपर में यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वो, बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमी में भी जब देखते हैं तो वो क्षेत्रीय सहयोग संगठन पर आते हैं, अर्थव्यवस्था में भी आते हैं, और आप पॉलिटी में देखें उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर कई बार पूछा जाता है, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये मतलब बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इसमें आपको समझाए जाएंगे। फिर अब तीसरा हम देखें, ये देखिए आप इसमें जो दूसरा वाला हम बता रहा था उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें इम्पोर्टेंट है आसान भाषा, ठीक है। अब अनअकैडमी पर होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एजुकेटर करता क्या है। एजुकेटर की भूमिका एक कोच की तरह होती है, आप समझ गए ना। ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड मटेरियल आपको मिल जाएगा, बहुत सारे अखबार हैं जिनमें ये सारे मुद्दे, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखें कि जैसे हम स्टूडियो प्रभाव की बात कर रहे हैं तो वो हिंदी में चैनल चलाया जाता है, वो हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनको समझाने के लिए ये है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में, लगभग बाइलिंगुअल कोर्स होगा, हिंदी इंग्लिश बराबर उसमें यूज की जाएगी, हिंदी ज्यादा यूज की जाएगी। और जो भाषा का मैं कह रहा हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आसान से आसान भाषा में जो टिपिकल शब्द आते हैं, आपको पता है कि हिंदी में भी बहुत सारे, कई बार आप जब एडिटोरियल पढ़ते हैं, कई लेख पढ़ते हैं, तो वो आपको कंटेंट समझने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसका कारण है कि जो शब्द हैं वो कठिन होते हैं और इतने क्लिष्ट होते हैं, इतने कठिन होते हैं। आप कई बार देखेंगे कि जैसे यूपीएससी की भी कई बार इसमें आलोचना की जाती है कि वो अनूदित शब्द होते हैं या उनका अनुवाद करके समझाया जाता है, तो ज्यादातर जो हिंदी का मटेरियल आता है वो ट्रांसलेटेड होता है, ठीक है, अनुवाद। अब जब अनुवाद होता है तो अनुवाद में जो उसकी भावना होती है ना किसी भी कंटेंट की, वो लगभग मर जाती है। तो हम उसको मरने नहीं देंगे, आप विश्वास कीजिए हम आपके साथ उसको जिंदा करेंगे। आसान से आसान भाषा में पूरे कंटेंट को आपको समझाया जाएगा, बहुत एक दोस्त की तरह आपको समझाया जाएगा, उसके लिए आप विश्वस्त रहें। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि निरंतर जो नेक्स्ट है वो है निरंतर बदल रहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य वह घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। और विश्लेषण ये है कि जैसे हमने बताया कि ये हमारा, जैसे हम विदेश नीति पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो गया। लेकिन अब विदेश नीति में करंट एरा क्या चल रहा है, ये देखिए, वर्तमान, जो मैंने कहा ना बदलते, वर्तमान, बदलते का मतलब सीधा सीधा है कि वर्तमान। तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें हम करंट अफेयर्स जो है वो भी हम साथ में बताएंगे। जब भी हम भारत जापान संबंध बताएंगे, जब भी हम भारत अमेरिका संबंध बताएंगे, तो हम सबके साथ जो करंट में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में हम जरूर आपको विश्लेषण करेंगे। ये देखिए वो आपके पीटी के लिए, वो आपके फैक्चुअल उसके लिए अपडेशन रहेगा, आपको अपडेटेड रखा जाएगा, आप इसके लिए विश्वस्त रहें, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समझौतों और मुद्दों का अध्ययन करवाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, ठीक है, IMF हुआ, फिर जैसे सैनिक संगठन हुआ, नाटो हुआ, ठीक। तो हर तरह के संगठन जो है, चाहे वो पर्यावरण पर हो, ये देखिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था पर हो जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर सैनिक शक्ति पर हो जैसे नाटो हो गया। तो और भी बहुत सारे जो नए नए समझौते हो रहे हैं, जो ट्रीटी हो रही है, जो मुद्दे हैं, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, अब ग्लोबल इश्यूज बहुत सारे हैं, वो पर्यावरण पर भी हो सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था पर भी हो सकते हैं, वो सब्सिडी पर भी हो सकते हैं, वो किसी भी, मतलब ऐसे जो मुद्दे जो सबको प्रभावित करते हैं, सब में जाहिर है कि भारत आएगा ही आएगा भाई, जैसे आर्थिक मंदी है, ठीक है। अब आर्थिक मंदी में आपको पता है कि विश्व जो है वो वैश्वीकरण का दौर है। वैश्वीकरण के दौर में क्या है कि एक घटना हो अमेरिका में रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो 100% भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ हो रहा है, प्रभाव यहां पर पड़ रहा है, ये अभी का एक नया चलन है इस वैश्वीकरण में, ग्लोबलाइजेशन में। तो इसको हमको लगातार स्टडी करनी पड़ेगी, जो भी समझौता होता है, चाहे वो अमेरिका और रूस के बारे में, रूस के बीच में अगर कोई सैनिक समझौता हुआ तो पूरा विश्व उससे कैसे प्रभावित होगा ये हम बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कोर्स का ओवरव्यू मोटा मोटा। हम पूरा यूपीएससी को जो सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे और शब्द से उसको कवर करेंगे, आप चिंता ना करें। अब मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर बताता हूँ, मैंने पहले ओवरव्यू के बारे में चर्चा की थी, अब मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर होगा क्या, बेसिकली ये लगभग 12 से 13 वीक का एक कोर्स होगा,
जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ स्ट्रक्चर के मोटे मोटे बुलेट पॉइंट हैं, इनको ये मत समझिएगा कि सिर्फ इतने से टॉपिक हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ जो स्लाइड दिख रही है उसमें या आप गिन पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टॉपिक में जब अंदर तक जाएंगे तो आपको सब टॉपिक बहुत सारे दिखाई देंगे। बहुत लंबा कोर्स है और बहुत डिटेल से आपसे चर्चा की जाएगी। ऐसा नहीं कि हम कोई क्रैश कोर्स चला रहे हैं या बहुत जल्दी से उसको खत्म करेंगे, हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ये आपका फाउंडेशन जो है वो मजबूत करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये फाउंडेशन सिर्फ आपका पेपर 2 में काम आएगा मेंस में, ये आपको निबंध में भी मदद करता है, ठीक है, ये आपको साक्षात्कार में भी मदद करेगा, ये आपको प्रीलिम्स में मदद करेगा, ये आपको ऑप्शनल में मदद करेगा, जो पॉलिटी और आईआर को ऑप्शनल के रूप में रखते हैं उनके लिए मदद करेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला पॉइंट देखिए आप, भारत की विदेश नीति, ये देखिए भारत की विदेश नीति 1947 टू 2019, ठीक है, ये आप देखिए। तो हम देखेंगे स्वतंत्रता से लेकर, पता ही आपको कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, और विदेश नीति होती क्या है ये आपको पता है भाई। कोई भी जो राष्ट्र होता है, कोई भी एक राष्ट्र होता है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चार कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है कि एक राज्य बनने के लिए, एक राष्ट्र बनने के लिए, जैसे पहला मैं आपको बता रहा था कि जनसंख्या, दूसरा एक निश्चित भूभाग, मतलब उसके पास एक एरिया होना चाहिए जहां पर लोग रह सके, पहले तो लोग होने चाहिए, जहां लोग रह सके वो एरिया होना चाहिए, फिर एक सरकार होनी चाहिए जो उसको ऑपरेट कर सके, और चौथी है सॉवरेंटी, संप्रभुता, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है जो वास्तव में राष्ट्र को राष्ट्र बनाता है, जो वास्तव में राज्य को राज्य बनाता है, क्योंकि 1947 से हम देख रहे थे कि 1947 से पहले हमारे पास ये तीनों चीजें थी ना भाई, जनसंख्या थी, भूभाग थी, और छोटे मोटे हम सरकार भी ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वो कम ही हिस्से में थे लेकिन हम भारतीय लोग सरकार में थे। लेकिन क्या नहीं था, संप्रभुता नहीं थी। अब इस संप्रभुता के कारण, संप्रभुता का मतलब है कि जो पूरी तरह से अपने देश के बारे में नीति निर्माण में, देश के बाहर जो है वो कैसे रिश्ते होने चाहिए उस पर पूरी तरह से निर्णय लेने की क्षमता है, उसको संप्रभुता कहते हैं। आज भारत में वो ताकत है, ये ताकत कब से आई, 1947 से। तो हमको लगातार स्टडी करना पड़ेगा 1947 से, समझ रहे हैं आप, 47 से विदेश नीति और 2019 तक, ये कई आप अब इसमें मैं बताऊं आपको, देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए। तो अब हम जो बात करेंगे ना, केवल इतना ही नहीं कि हम इसको केवल एक एज ए केवल इतना सा इस तरह से पढ़ाएंगे, हम इसको कई एंगल से पढ़ाएंगे। जैसे हम विदेश नीति अगर पढ़ रहे हैं तो विदेश नीति का जो एरा है वो एरा भी कई तरह से डिसाइड होते हैं, उन एरा को हम कई तरीके से पढ़ाएंगे। आप देखें एरा जो होते हैं ना, वो जैसे एक देश होता है, एक देश में प्रधानमंत्री कैसे कैसे हुए, जैसे भाई 1947 से और लगभग 1900, ये देखिए मतलब 1991 तक का जो छाया कही जाती है ना, वो नेहरू जी की कही जाती है, पंडित नेहरू की, उसको नेहरू युग कहा जाता है। फिर अचानक से 1991 में जो है वो लिबरलाइजेशन आता है, पूंजीवाद आता है, ये सब इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में भी। अब जब भारत में ये सब आया तो भारत की विदेश नीति में भी ये आएगा, तो वहां से विदेश नीति बदलती है। फिर भारत में गठबंधन की सरकारें आई तो उसमें विदेश नीति कैसे थी, फिर एनडीए की गवर्नमेंट आई फिर कैसी थी, फिर यूपीए की गवर्नमेंट आई फिर ऐसी थी, फिर उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई, तो वर्तमान में क्या विदेश नीति है, कैसा जो है वो भारत का स्टेटस है इंटरनेशनल लेवल पर, ये आपको डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा पूरी तरह से। अब जैसे दूसरा जो स्टेप है वो है भारत की पड़ोसी नीति, पड़ोस नीति। अब आपको एक कथन ध्यान होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि साहब हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, मित्र भले ही बदल सकते हैं, तो यहाँ तो आपको बना के रखना पड़ेगा। पड़ोस का मतलब, अब वो पड़ोस का मतलब एक तो जो ये देखिए सीमा, जिनसे सीमा टच होती है। अब सीमा किस तरह की, एक तो जो हमारा भूमि, जिनसे हमारी भूमि टच होती है,
ये देखिए, और एक जो समुद्र है, सागर की सीमा होती है, दो आपको पता ही है। तो दोनों में कहीं ना कहीं जब हमारा टच होता है, जब आप सब लोग रहते ही हैं, पड़ोसी के बीच में कुछ ना कुछ अनबन जरूर रहती है। तो अभी हमारा जो नजदीकी पड़ोसी है उसके साथ कुछ ज्यादा है, जैसे जो नजदीकी पड़ोसी पाकिस्तान आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ मसाला हमको मिलता रहता है। तो चर्चा की जाएगी कि भारत के पड़ोस के संबंध अब से शुरू से लेकर अब तक कैसे रहे, प्रत्येक देश के साथ कैसे हैं। जैसे भारत नेपाल है, तो पहले जो एक भारत और नेपाल के बीच में संबंध थे वो चीन ने उसको ब्रेक किया, ठीक है। अब चीन ने क्या किया, कैसे किया, कब किया, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। क्या इम्पैक्ट है उसका भारत के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट है ये भी बताया जाएगा। और सरकार क्या सोच रही है आगे क्या करने का उसका जो है वो भी आपको बताया जाएगा। ये देखिए, तीसरा है विश्व की महाशक्तियां, जो मैं बता चुका था आपको कि जो बड़े देश होते हैं, बड़े देश मतलब जो पूरे विश्व को एक तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि उनके पास सामरिक, ये देखिए, आर्थिक, वैचारिक, ये देखिए, ये सब तरह की ताकत उनके पास रहती है। तो सारी ताकत जिसके पास होगी ये पक्का है कि वही डिक्टेट करेगा, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है क्योंकि आर्थिक युग है। तो इस जो ये मैं आपको बता रहा था, इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि पहले महाशक्तियों के पास क्या ताकत थी, पहले उन्होंने किस तरह से डिक्टेट किया पूरे विश्व को, और अभी फिलहाल क्या है, अभी उनका क्या स्टेटस है, भारत अमेरिका का संबंध अभी क्या है, ठीक है। ये आप देख भी पा रहे हैं, पहले जब वहां के राष्ट्रपति आते थे तो वो एक जैसे हंटर लेके नहीं आते, वो एक रिव्यू करने आते थे, जैसे किसी देश में आगे की सब हम रिव्यू कर रहे हैं, उस तरह का होता था। और अभी जो आते हैं तो हम समकक्ष की भूमिका में हैं, क्योंकि हम भी बड़े हैं, हम विकासशील से विकसित होने की कगार पर हैं, धीरे धीरे हम हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। और अमेरिका का जो प्रभाव है, क्योंकि आर्थिक युग है तो धीरे धीरे सामरिक शक्ति का महत्व थोड़ा कम हुआ है, तो अभी ये रिलेशन धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो विश्व की महाशक्तियों के साथ संबंध बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो सारे जो विश्व के इंस्टीट्यूशन है उनको भी डिक्टेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल देशों के साथ संबंध को, भाई जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, जैसे IMF है, ये देखिए, ठीक है, UNO है, तो ये, अब ये जो विश्व के बड़ी बड़ी जो पंचायतें हैं, संसद है विश्व की जो बड़ी बड़ी, ये आप देखिए IMF है, तो ये मॉनिटरी बेनिफिट, तो अब ये जितने भी बड़े बड़े संस्थान है उन सबको ऑब्वियस है ये बड़े देश ही इनको डिक्टेट करते हैं। इनके साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, विश्व के महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध। ये हमने बताया पड़ोस के साथ, फिर महाशक्तियों के साथ, फिर हम बताएंगे विश्व के महत्वपूर्ण, ये बायलेटरल रिलेशनशिप हो गया। ये देखिए द्विपक्षीय, अब द्विपक्षीय में आपको पता है क्या क्या आ जाता है, द्विपक्षीय में आ जाता है जैसे भारत और फ्रांस के साथ, भारत और इज़राइल के साथ, ठीक है, ये द्विपक्षीय संबंध है। ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे समझौते होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको अलग से आपको एक सेशन होगा जिसमें बहुत सारे देशों के साथ आपको अपडेशन दी जाएगी कि किस देश के साथ भारत की बायलेटरल रिलेशनशिप कैसे है, ठीक। फिर अब आप देखेंगे नेक्स्ट, मैं बता रहा था क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के साथ भारत के संबंध। ये एक नई चीज चली है, पहले आपको पता था कि भाई शीत युद्ध था, ये देखिए, पहले आपको पता शीत युद्ध था, शीत युद्ध चला काफी समय तक, काफी सालों तक। अब शीत युद्ध में जमाना जो था वो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, शीत युद्ध में दो जो देश थे, अमेरिका और रूस, केवल यही जो थे वो पूरे विश्व को चला रहे थे। और चला भी कैसे रहे थे, सैनिक, सामरिक शक्ति से, ठीक है, सामरिक शक्ति तब इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन अब बदल गया है। अब देशों ने क्या किया है कि विकासशील देशों ने अपने संगठन बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आर्थिक युग है, इकोनॉमिक एरा है। अब इस इकोनॉमी में जो है वो देखिए सबकी जरूरतें जो है ना, कोई भी विश्व से कटकर नहीं रह सकता, ये एक कड़वी सच्चाई है। क्योंकि चीन के साथ चाहे हमारे कितने भी इशू हो, पर जो रिलेशन है वो आप देखेंगे कि कभी ब्रेक नहीं हुए, और रिलेशन ब्रेक क्यों नहीं हुआ, उनको किसने जड़ से पकड़ा हुआ है, भाई उनको जड़ से पकड़ा हुआ है आर्थिक जरूरतों ने। हम कितना भी लड़ लें, पाकिस्तान कितना भी लड़ ले, लेकिन जब खाने की जरूरत होगी,
या फिर कोई जैसे हम चाइना से कितना भी लड़ ले, तकनीकी उनके पास है, तो जब तकनीक की आवश्यकता होगी तो ऑब्वियस है कि हमको चाइना के पास जाना ही पड़ेगा। तो कुछ भी हो, वो जो सीमा विवाद है वो अपने एक तरफ है, लेकिन जो संबंध है वो अलग तरह से डिसाइड हो रहे हैं अभी, तो ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये हम बता चुके हैं। फिर आप देखिए जो नेक्स्ट है वो है महत्वपूर्ण, ये देखिए लास्ट जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संस्थान और मंच। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन जो मैंने बताया, जैसे जी यूएनओ है, ठीक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ब्रिक्स है, SCO है, G5 है, G20 है। तो ये जो मंच है, जैसे इनको मंच आप कह सकते हो क्योंकि इन पे लोग मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे आसियान है, सार्क है, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो संगठन है इनके बारे में, वो इसलिए कि ये जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, वो भी एक देश की विदेश नीति को उतना ही इम्पैक्ट डालती है, उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि जो और द्विपक्षीय संबंध है उतना। क्योंकि ये संगठन जो है, जैसे यूएनओ है, उसमें विश्व की संसद भी है, उसमें विश्व की न्यायपालिका भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको कहते हैं, और भी उसके बहुत सारे संगठन हैं जो समस्त देशों पर बहुत ज्यादा प्रभाव, जैसे अभी ये देखिए सुरक्षा परिषद है। अब ये ऐसा एक निकाय है जो जिसको अगर हमको इसकी स्थायी सदस्यता मिलती है, जैसा कि आप देखते हैं समाचारों में पढ़ते हैं, अखबारों में रोज आता है, ये भारत के लिए सालों से प्रयास कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलते ही हमको वीटो पावर मिलती है, वीटो पावर मिलती है, वीटो के साथ साथ हमको बहुत सारे बेनिफिट ऐसे मिलते हैं कि जो हमको टॉप 5, टॉप 6 विश्व की श्रेणी में ले आते हैं पावर की दृष्टि से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनको इस पेपर में पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा हो गया, मैंने आपको ओवरव्यू बताया, मैंने आपको कोर्स का स्ट्रक्चर बताया। अब स्ट्रक्चर में जो दिख रहा था केवल वही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे सब टॉपिक भी हैं। भाई जो भी हम टॉपिक देखेंगे ना, उसके बहुत सारे टॉपिक आपको दिखाई देंगे, तो बहुत सारा मटेरियल उसमें होगा। साथ साथ अब इसके एडिशनल बेनिफिट क्या है, एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स, जो मैं कोर्स बता रहा हूँ, जो कोर्स मैंने बताया कि कंप्लीट कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस UPSC 2020। अब इसमें एडिशनल बेनिफिट क्या है वो आप देखिए। पहला, डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशन। अब अनअकैडमी जो है, ये देखिए, ये लोगों से देख लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में दिखता है, सब सब जानते हैं। तो अभी चल भी रहा है, आपको पता है कि लेट्स क्रैक इट, ये इसका एक टैगलाइन है, बड़ी अच्छी टैगलाइन है। अगर आपको क्रैक करना है यूपीएससी को तो इसके अलावा विकल्प नहीं है। आप देखिए डाउट क्लियरिंग सेशंस। अब डाउट क्लियरिंग सेशन में होता क्या है, एज ए एजुकेटर मेरी ड्यूटी है, ठीक है, एज ए एजुकेटर मेरी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, कि मैं आपसे कनेक्ट करूं, भाई ऐसा नहीं कि एक तरफा संवाद चले, ठीक है। अभी एक तरफा संवाद क्या है, कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल जो कोचिंग संस्थाएं होता हुआ करती थी ना, ट्रेडिशनल जो पुरानी कोचिंग, तो उनमें माइक एक लगा के जो टीचर आते हैं आके, और बस एक तरफा बस अपना जो लेक्चर है उसको खत्म करते हैं और बस निकल लेते हैं, ठीक है। अब सब क्या है कि जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। अब जब आना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि आप एक तरफा संवाद होगा, ये दोनों तरफ से संवाद होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके मन में ऑब्वियस है कि डाउट्स आएंगे, अगर डाउट्स नहीं है तो इसका मतलब आप तैयारी के प्रति गंभीर नहीं है। चाहे मैं कितना ही बढ़िया पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये पक्का है कि आपके मन में डाउट आएंगे। हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे, जब हम एस्पिरेंट थे, तो हमारे मन में डाउट हुआ करते थे। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशंस हम लोग जब भी कोई टॉपिक करेंगे, चाहे वो एक टॉपिक है, चाहे वो दो टॉपिक है, कैसे भी, वो आपको पूरा एक फ्रेमवर्क मिलेगा कि कैसे करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम हम इनको पूरा करेंगे, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। ये देखिए अब नेक्स्ट क्या है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न।
अब एमसीक्यू से आपको समझ में आ गया। अभी देखिए एमसीक्यू से आपको समझ में आ गया कि एमसीक्यू का मतलब है बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हिंदी में उसको कहते हैं। अब ये किस में आते हैं? ऑब्वियस है, प्रिलिम्स में आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय मंच, विदेश नीति या फिर जो भी समझौते हैं, उन सबके बारे में जो भी एमसीक्यूज होंगे ना करंट में या वैसे भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो उनके बारे में टाइम टू टाइम आपको एक सीरीज दी जाएगी या उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ये आपके एडिशनल बेनिफिट है। फिर जैसे एक ये मैंने प्रीलिम्स का बताया, नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो मेंस के बारे में, क्वेश्चंस फ्रेमिंग। ये देखिए मेंस एग्जाम, अब पेपर टू है, ठीक है, पेपर टू, पेपर टू में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस का हम अक्षर से पालन करेंगे, उस सिलेबस को हम पूरी तरह से तैयार करेंगे और फिर उनसे जो प्रत्येक यूनिट है, पर यूनिट, पर सब यूनिट, पर टॉपिक, जैसे सवाल, जितने सवाल, जितने प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम जब भी पढ़ाएंगे, जैसे मैंने पढ़ा आपको विदेश नीति, और विदेश नीति कितने एंगल से उसको पूछ सकता है एग्जामिनर जो है ना, वो कई बार भाषा बदल के पूछ लेता है, कंटेंट वही होता है, उसका जवाब वही होगा, लेकिन कई बार शब्द ऐसे चयनित करता है या फिर कई बार जो लैंग्वेज है वो इस तरह की बनाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से उसका पैटर्न रहा है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, आपको तैयार किया जाए। फिर जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर, ये नेक्स्ट देखिए मेंस एग्जाम। अब मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे उठ के आते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, वहां तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि साहब हम आंसर कैसे लिखें, कितने नंबर हमको उसमें मिलेंगे, हम उसमें क्या क्या लिखें कि हमको एडिशनल नंबर मिले, हम दूसरों से अलग कैसे हों, ये सब आपको दिखेगा। तो इसके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स आपको बताई जाएंगी, समय समय पर बताई जाएंगी, जब भी कोई इसके लिए अलग से सेशन होगा वो आपको, जब आप सब्सक्राइब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैसेज के थ्रू आपको बार बार सूचना मिलती रहेगी, आपको रोज सूचना मिलती रहेगी कि अब ये शुरू हो गया, अब शुरू हो गया, अब ये शुरू हो गया, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऐसे पेपर एंड इंटरव्यू, अब ये आपको मैं बता रहा था ना कि एडिशनल बेनिफिट है, यूट्यूब पर हालांकि हम लोग लाइव पढ़ाएंगे लेकिन ये जो सब चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादातर एक साथ जो आपको वर्ष भर मिलती रहेंगी वो प्लस प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ये आपको बताने के लिए ये रखा हुआ है कि एडिशनल बेनिफिट क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक सफल और असफल जो विद्यार्थी उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऐसे पेपर और एक इंटरव्यू, ठीक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किसके लिए? ऐसे के पेपर के लिए, मैंने बताया ना कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये पेपर टू के लिए नहीं है, ये आपकी ओवरऑल तैयारी डिसाइड करता है, ओवरऑल तैयारी को ये संपूर्णता प्रदान करता है ना ये टॉपिक। भाई जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे तो एक व्यक्तित्व का एक विकास भी होता है, आपको पूरे विश्व से कनेक्ट रहते हैं, आप अपडेटेड रहते हैं, और आजकल जो जमाना है ना वो डाटा का है, ये देखिए जो जितना अपडेटेड है वो उतना आगे है, ठीक है, जो जितना अपडेटेड है वो उतना आगे है, ये आप जान के रखिए, आप तय समझिए, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी उतनी मदद करेगी, जो हम पढ़ेंगे, जो हम चर्चा करेंगे वो आपको इंटरव्यू में भी उतनी ही मदद करेगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ेंगे, आप भारत की विदेश नीति से जुड़ेंगे, तो ये आप पॉलिसी मेकिंग से जुड़ेंगे एक तरह से, भाई ये पॉलिसी मेकिंग ही है ना कि हमारे देशों के साथ संबंध कैसे रहे, तो उसके बीच में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठती है, वो किस हिसाब से नीति निर्माण करती है, हम सब विषयों पर चर्चा करेंगे। ऐसे का पेपर, भाई अब जब कोई पॉलिटिकल टॉपिक आ गया, अब जैसे ट्रेड वॉर चल रहा है, आप देखिए आपको पता है चीन और अमेरिका अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, अभी ट्रेड वॉर जो है पूरे विश्व को
आतंकित किया हुआ है इसने भाई। दोनों अपने अपने हिसाब से दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में कुछ होगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये ट्रेड वॉर है भाई, हम जब ऐसे लिखते हैं ना तो अगर हम अपडेटेड रहेंगे, अब जो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, भारत पर इसका इम्पैक्ट जरूर होगा, तो इसको हम उसमें कोट कर सकते हैं। तो ये जो कोट करते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो डिफरेंस क्रिएट करता है आपका कि आप कितने अपडेटेड है, तो आपको नंबर दिलाएगा, ये तय है। तो हम इसकी भाषा भी बताएंगे, सरल भाषा में इनको समझाएंगे, आप निश्चिंत रहें। तो ये एक मैंने आपको बताया, मेरा एक कोर्स है उसके बारे में आपको बताया, अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको बताया, और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में ओवरव्यू सब कुछ मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप प्लस को सब्सक्राइब करें और ये कोड का यूज करें, बार बार मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, NS Live, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा।